दोस्तों, आपने रास्तों पर चलने वाले अलग अलग पैटर्न्स के बहुत सारे कार्स को देखा होगा और चलाया भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है, देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन मतलब SMC के साथ मिलकर एक फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार बनाने की तैयारी कर रही है। इस इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर को घर की छत से ही उड़ाया जा सकेगा और वही लैंड भी कराया जा सकेगा। SMCL में ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्लानिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर केंटो ओगुरो ने बताया कि फ्लाइंग कार को डेवलप करने के लिए जापान के स्टार्टअप स्काई ड्राइवर के साथ पार्टनरशिप की गई है। इसका नाम स्काई ड्राइवर हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर यानी फ्लाइंग कार ड्रोन से बड़ी लेकिन पारंपरिक हेलीकॉप्टर से छोटी होगी। इसमें पायलट सहित 3 लोग बैठ सकेंगे। इसका इस्तेमाल शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी सर्विस के तौर पर किया जा सकेगा। आपको पता है, भारत में इसकी होगी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी कीमत भी कम होगी। कंपनी आर्थिक कारणों से भारत में फ्लाइंग कार की मैन्युफैक्चरिंग पर भी विचार कर रही है। ओगुरा ने बताया, अभी तक कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, हालांकि भारत में निर्माण करना उचित है। इसके लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA के अधिकारियों से बात की जा रही है। अगर हम मेक इन इंडिया के तहत यहाँ आते हैं तो फ्लाइंग कार निश्चित रूप से यहाँ सस्ती होगी। जापान और अमेरिका के बाद भी भारतीय बाजार में ये बेचा जाएगा। मोटर और रोटर्स की 12 यूनिट के साथ इसे जापान में 2025 ओसाका एक्सपो में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। सबसे पहले ये फ्लाइंग कार जापान और अमेरिका में लाई गई, इसके बाद मेक इन इंडिया के तहत यहाँ आते हैं, तो फ्लाइंग कार निश्चित रूप से यहाँ सस्ती होगी। इस हेलीकॉप्टर के बारे में अगर आप जानेंगे, इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में अगर आप जानेंगे तो यह पारंपरिक हेलीकॉप्टर से आधे वजन की है। इस एयरकॉप्टर का वजन पारंपरिक हेलीकॉप्टर के वजन का लगभग आधा होगा। कम वजन की वजह से इसके टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इमारत की छतों का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से विमान के पार्ट्स की संख्या काफी कम आई है। इस कारण मैन्युफैक्चरिंग और रखरखाव लागत कम हो गई है। यह कार शुरुआत में 15 किलोमीटर की रेंज में लेगी। शुरुआत में 3 पैसेंजर एडिशन की रेंज 15 किलोमीटर होगी। इसके बाद 2019 तक इसके दोगुनी होकर 30 किलोमीटर और उसके बाद 2021 तक 4 किलोमीटर होने की संभावना है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमें एक रेंज की आवश्यकता है जो निश्चित रूप से 15 किलोमीटर से अधिक है। कर इस सुपर हीरो फ्लाइंग कार के बारे में जानेंगे तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 3 लोग, मतलब एक पायलट और 2 पैसेंजर। इसके पावर सप्लाई बैटरी इलेक्ट्रिक के इस पर चलती है। इसका प्रोपोर्शनल है मोटर और रोटर की 12 यूनिट। मैक्सिमम क्रूज स्पीड है 100 km/h और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है करीब 14 किलो और इसकी रेंज करीब 15 किलोमीटर होगी। इस फ्लाइंग कार के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि उड़ने वाली कारें 0 एमिशन के साथ साइलेंट भी होती हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कम पैसा इसका खर्च होता है, क्योंकि इसे ऑपरेट करने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैफिक सिग्नल और भीड़भाड़ से बचने में मदद मिलती है। इससे आना जाना आसान और सस्ता पड़ता है। फ्लाइंग कार ऑटो ड्राइव मोड पर चलती है। इसमें सिर्फ डेस्टिनेशन फीड करना होता है। फ्लाइंग कार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नए अपडेट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।